डेवलपमेंट तो ऐसा है, मेरा कहने से क्या है, डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट का, ये हमारा देश चलता है, यही है, पूरा देश पूरा स्टेट अभी तो डेवलपमेंट के तरफ तो निकल रहा हूं। अभी हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहा है, पूरा देश को उठाना चाहता है वो, अभी फॉरेन कंट्री में इतना टूर करके वो क्या देख रहा है, अपना देश को भी वो लेवल में पहुंचाने का उसका मकसद है। जब वो फॉरेन में जितना भी डेवलप कंट्रीज है ऐसे ही अपना देश बनाने चाहता है, तब तो कोई भी गवर्नमेंट, इलेक्शन तो हमारा ये देश में डेमोक्रेसी में ये इलेक्शन का करके ही देश चलाना पड़ता है। इसलिए हम 5 साल में ऐसा नहीं है कि डेवलप तो ऐसे ही ग्रेजुअली हो ही रहा है जितना गवर्नमेंट कर रहा है, ये तो ऐसे डेवलप नहीं हुआ है, कुछ देखा नहीं, ममता बनर्जी हमारा पहाड़ को कुछ नहीं देखा ये नहीं बोलेंगे हम, वो लोग कर रहा है लेकिन उसका तो वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसा तो आप पहले ही बोल दिया कि कोई भी पार्टी इंडिया में अभी कोई भी पार्टी हो तो दे आर नॉट सीरियस विद सीरियस इन गोरखालैंड, ये तो हमको मान नहीं नहीं, बट मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, लेकिन ये हिल्स की बात कर रही हूँ मैं, हिल्स के लिए तो अभी मेरा कहने क्या है कि कोई भी पार्टी हो, अभी तो ये जीजेएमएम है पार्टी का तरफ से, तो ये टीएमसी भी है, वो सबका अभी देखिए सबका सब आप इलेक्शन का फर्स्ट एजेंडा क्या है आपको पता ही हो गया, दार्जिलिंग में गया होगा कहीं भी गया होगा, वो लोग अपना एजेंडा में पहले बार क्या रखता है, गोरखालैंड, ये इस इनका वोट मांगने का एक तरीका ही बन गया है। तो वो तो एक नंबर एजेंडा तो मैनिफेस्टो में एक नंबर में क्या होना चाहिए, गोरखालैंड। यहाँ का पहाड़ में अब कहीं भी जाइए किसी को भी पूछिए यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, रोड्स नहीं है अच्छा, पानी नहीं है, पानी ठीक से नहीं है, रोड नहीं है, बिजली ठीक से नहीं है, दिन में 2-3 बार लोड शेडिंग, ये सब, एजुकेशन ठीक नहीं है, हॉस्पिटल्स देखिए हॉस्पिटल ठीक नहीं है, ये सब के लिए तो हम विधानसभा में ही हल्ला करना पड़ता है, वो डेवलपमेंट हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से ही कराने। ऐसे तो गोरखालैंड का अपील तो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत साल पुराना ये डिमांड तो बहुत साल पुराना है, अब इंडिया में गोरखालैंड क्यों, हम लोग क्यों गोरखालैंड का जरूरी है, हमारा अभी वी हैव सो मेनी गोरखाज रेजिमेंट इज देयर, तो बहुत सारे गोरखा फौज में काम कर रहा है हमारा गांव का, लेकिन वो हमारा देश में कहीं भी उसका अपना स्टेट नहीं, बल्कि दूसरा जातियों के लिए कहीं ना कहीं एक उसका स्टेट है ही है, बंगाली के लिए बंगाल है, बिहारी के लिए बिहार है, पंजाबी के लिए पंजाब है, ऐसे ही गोरखा लोग भी चाहते हैं कि हमारा देश में कहीं पे अपना नाम पे एक स्टेट हो जाए। ऐसा मेरा कहना यह नहीं है कि बंगाल को डिवाइड करके गोरखा में बनाओ, ये हमारा कहना नहीं है, हमारा मतलब है इंडिया को, इंडिया का मैप के अंदर में अभी तो 29 स्टेट है, तब एक स्टेट का नाम होना चाहिए कहीं भी, तो स्टेट का नाम होना चाहिए गोरखालैंड, ये हमारा कहना है। हमारा अपना भाषा जो है हम जो जो लिखते बोलते हैं यहाँ पर जो नेपाली है वो नेपाली है, वो भाषा को वो लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिकमेंडेड लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग तो यहाँ पढ़ता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा गवर्नमेंट का बड़ा जो जो एंट्रेंस एग्जाम जो है सिविल सर्विस का एग्जाम में है वहां पर बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी है। अब यहाँ का हम लोग तो बंगाली पढ़ता नहीं है, यहाँ पर स्कूल में बंगला भाषा कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ का अच्छा अच्छा स्टूडेंट जब पास होके जाता है ऊपर, जब वो सिविल सर्विस के एग्जाम में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ता है वहां पर बंगाली भाषा कंपलसरी बन जाता है। कोई भी नदी एक जगह पे वो निकलता है तो बहते 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 वो दूसरा जगह में पहुंचना पड़ता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का फंड भी ऐसे ही चीज है, जो दिल्ली में कोई गवर्नमेंट प्लान बनाता है वो हमारा गांव में इतना दूर आते आते वो टाइम लग जाता है,
हमारा वो दूसरा दुर्भाग्य ये भी है, हमारा स्टेट का कैपिटल भी कलकत्ता में है, कलकत्ता भी हमारे हमसे कलकत्ता से हम बहुत दूर में है, इसीलिए हमारा भी कलकत्ता में कोई भी प्लान बन जाता है, कोई डेवलपमेंट का कोई योजना बन के आता है तो यहाँ आते आते वो भी टाइम लगता है। हम ऐसा है कि हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि देश में कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी पैकेज हो डायरेक्ट हमको मिलना चाहिए। और एक हम आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं कि पूरा इंडियंस को हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग को एक प्रॉब्लम है, ऐसे ही तो नेपाली हमको नेपाली बोलता है, ठीक है हम नेपाली है लेकिन हम नेपाल का नेपाली नहीं है। ये तो ऐसा है कोई भी स्टेट का रूलिंग पार्टी ऐसे ही तो अपना स्टेट टुकराने के लिए जब वो बोलेंगे तो उसका मेजोरिटी में वो नहीं आएगा, वो इलेक्शन में हार जाएगा। ये तो कहीं भी है, बिहार भी टुकड़ा करके झारखंड बन गया, उस टाइम में लालू यादव जो पावर में था वो भी तो बोला था कि अपने मुंह से बोला था, वो बहुत बार बोला था कि झारखंड की बनना है तो मेरा शरीर वो बॉडी को कुचल के जाना पड़ेगा, लेकिन बन गया ना, ऐसे ही होता है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना भी बंगाल में जितना भी पार्टी है वो सब गोरखालैंड बंगाल टुकराएंगे बोलने से तो नीचे में भी उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसी बोल के ये लोग तो अगेंस्ट में तो जाएगा ही, ये तो इलेक्शन का रूल है।